नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस मिनी मॉक टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, ठीक है, ओके। मारिया, रत्नेश्वर, हेमा, स्वपन, सुरभि, समीना, दीपक, अरविंद, मोनल, ज्योति, लक्ष्मी, मिताली, राजू, मुकेश, आश्मी, नेहा, ज्योति, चिन्मयी, सब बढ़िया। राहुल भी आ गया। चलो तो चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, पीछे में जो बैकग्राउंड साउंड है वो चलता रहेगा। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है, तो सब भांग खा के सही में मंदिर पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए 15 क्वेश्चंस लाए गए हैं टॉप क्वालिटी के। हर क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ध्यान से सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना, और जो आंसर है वो लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? अगर आपका स्कोर 10 के ऊपर आता है बहुत बढ़िया माना जाएगा, अगर 10 से कम आता है मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत है। कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका मार्क्स 80-90 में अटक रहा है तो कैसे मार्क्स स्कोर मतलब इंक्रीज किया जाए, ये मैंने आपको कल बताया था। कल हमने रात में 9 बजे डाउट क्लास ले लिया था, वहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी कि हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इफ़ यू आर स्टक बिटवीन 80s 90s, इन सब में अगर आप अटके हुए हैं तो, ठीक है। तो इसको देख लेना जा करके, बड़ा बड़ा देखना कि कहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है ना वो कवर हो रहा है। वहाँ पर एक जो रिवर्स लर्निंग का जो टॉपिक है ना वो डिस्कस किया था मैंने, उसको देख लेना, ठीक है। पहला सवाल हमारा है रिस्पॉन्सिविस्ट के बारे में, ध्यान से करना ज़रा इसको। चलो शुरू करते हैं। जब मूवमेंट विड्रॉ किया गया था, कौन सा मूवमेंट बताना मुझे, जब मूवमेंट विड्रॉ किया गया था तो उसके बाद दो तरह के लोग सामने आए थे। एक थे स्वराजिस्ट, जो कह रहे थे कि हमको लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना चाहिए, वहाँ पर हमें जा करके सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बखिया उधेड़नी चाहिए, उनका जो ट्रू नेचर है वो सामने लाना चाहिए। दूसरे थे नो चेंजर्स, उनका ये कहना था कि हमारे पास कई सारे जो कंस्ट्रक्टिव वर्कर हैं, जो वर्क्स हैं वो करना है, जनता को एजुकेट करना है, पॉलिटिकली अवेयर करना है, ठीक है ना। आपका जो स्वराजिस्ट हैं, इसी में एक दल था जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिविनिस्ट, मतलब कि ये वो लोग थे जो ये चाहते थे कि हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सरकार के साथ मिल के काम करना चाहिए। ऐसा ही रोल मुस्लिम लीग प्ले कर रहा था। मुस्लिम लीग क्या चाहता था कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जो मुस्लिम इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो सेम रिएक्शन जो स्वराजिस्ट हैं उनकी तरफ से भी आया। स्वराजिस्ट में एक समूह, एक कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कि वी वांट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द हिंदू इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को इन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबका अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, अपना अपना एजेंडा होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो डी यहाँ पर सही है, ये थे रिस्पॉन्सिविस्ट। क्लियर है? ये कौन थे समझ गए, किसका पार्ट थे समझ गए, क्लियर है? हाँ, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, शानदार। तो यहाँ पर ये स्वराजिस्ट बाद में फिर अलग हो गए थे, इनमें एनसी केलकर, एमआर जयकर, ये सब लोग आते थे। अगला सवाल हमारा है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। यार वो लोग 1.5 घंटे से गा रहे थे, जो आंटी गा रही थी ना मेन लीड सिंगर,
1.5 घंटे से मैं आवाज़ सुन रहा हूँ यहाँ पे, मैं पीपीटी बना रहा था और गाना सुन रहा, गीत सुन रहा था। अभी भी पोटेंशियल है। और तुम कहते हो कि सर हम थक जाते, सेम आवाज़। तुम कहते हो कि सर मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, हम थक जाते हैं। नाइनटीन फोर्टी सेवन का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, इसमें यह कहा गया था कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जिसको हेड करेंगे रेडक्लिफ साहब। रेडक्लिफ को कुछ खास आइडिया नहीं था इंडिया के डेमोक्रेसी का, डेमोग्राफी का, और कहाँ कहाँ पर किस तरह के लोग, किस किस रिलीजन के लोग रहते हैं। इट एबॉलिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ना कि कॉमनवेल्थ। इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, मतलब इंडिया का जो मंत्री है, उसको एबॉलिश कर दिया गया था, तो दूसरा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटेन के राजा होंगे वो अब एम्परर ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। तो दो और तीन, ऑब्वियस ही बात है, आप तीसरा आपको तो पहले ही इलिमिनेट कर चुके होते। तीन तुम पहले इलिमिनेट करते ना, कि आज़ादी के बाद ब्रिटेन का किंग क्यों बनेगा एम्परर ऑफ इंडिया, नहीं बनेगा। तो तीन आप पहले काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला केवल सही है, ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर यह कहा गया था कि जो हमारा संविधान सभा होगा, हमारा ही क्या, पाकिस्तान का संविधान सभा होगा, इट विल बी फ्री टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट लाइक्स। और ये कोई भी एक्ट रिपील कर सकता है, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। क्लियर बात है। परमाउंटेसी का लैप्स हो गया था, जिस चक्कर में प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दिया गया कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं मन है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये मतलब होता है लैप्स ऑफ परमाउंटेसी का। जब तक संविधान हमारा तैयार होकर अप्लाई ना हो जाए, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 इंप्लीमेंट होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन से प्रोविंस पाकिस्तान की तरफ गए बंटवारे के बाद? ठीक है, सौरभ वो सेक्रेटरी अलग है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मंत्री होगा जो इंडिया का अफेयर्स देखेगा, ठीक है ना। हाँ, यहां पर जो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ ने बोला कि हम इंडिया में शामिल होंगे। सिलहट ने पाकिस्तान की तरफ वोट कर दिया, नेफा ने भी पाकिस्तान की तरफ वोट कर दिया। तो यहां पर तीन आपने इलिमिनेट कर दिया, आपका वन एंड टू सही है, ठीक है। वन एंड टू बोथ इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान में वेस्टर्न पंजाब आएगा, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्टर्न बंगाल जो बाद में जाकर के बांग्लादेश बना, आसाम का जो सिलहट का जिला है वो आ गया था, ठीक है। सिलहट ने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं क्योंकि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी। जूनागढ़ ने बोला कि हम इंडिया में मिलेंगे, इन्होंने इंडिया के फेवर में वोट किया। तो यहाँ पर पहला जो है वो सही है। अगला सवाल करना, मैंने कुछ जो व्यक्ति हैं उनके नाम दिया है और उनकी जो लिटरेचर है ना उनका नाम दिया है, ध्यान से इसको मैच करना, ठीक है। हिंद स्वराज, इंडियन स्ट्रगल, ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान से सुनना,
जो फेमस लिटरेचर है उनके बारे में मैंने बताया है। अ नेशन इन मेकिंग, इसको लिखा था एस एन बनर्जी साहब ने। एस एन बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग। वैसे भी हिंद स्वराज काफ़ी फेमस है, किनका है? महात्मा गांधी का है। तो आपने बी को मैच कर दिया था ए से, हिंद स्वराज ए से मैच कर दिया आपने। तो बी वन केवल ए में है और सी में है। आपने बी को एलिमिनेट कर दिया और आपने डी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने क्या लिखा था? द इंडियन स्ट्रगल, मतलब सी मैच कर गया टू से। सी मैच कर रहा है टू से केवल एक में और वो है सी, क्लियर है। लाला लाजपत राय जी ने लिखा था ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, तो यहाँ पर ये इससे मैच कर गया। बस याद कर रखना है गांधी जी, हिंद स्वराज, एस एन बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, काफ़ी फेमस लिटरेचर है ये वाला, याद रखना, केवल दो याद रखना है यहाँ पर, हिंद स्वराज और नेशन इन मेकिंग। अगला सवाल है यहाँ पर सेशन टाइप का, ध्यान से करना जरा इसको। बहुत ही आसान सवाल है ये। कुमकुम टाइम पर आज, अरे गजब। वेदा गायब है? अच्छा, रोटी फुला रही होगी अभी। सिंचिन अभी आया, क्यों जी? ठीक है, यहां पर ध्यान सुनना। क्या ब्रिटिश सोवरनिटी कंटिन्यू रह सकती है फ्री इंडिया में? नहीं, सोवरनिटी पूरी तरह से ट्रांसफर कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस समय। तो आपका एशर्सन ही गलत हो गया, तो आपका डी आंसर आ गया, ठीक है। एशर्सन रीजन वाले सवाल में सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब एशर्सन भी करेक्ट हो और रीजन भी करेक्ट हो, तब आपको यह पहचानना पड़ता है कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। यह पहचानना बड़ा मुश्किल चीज है। अगर दोनों में से कोई भी लाइन गलत मिल गई तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि यहां पर डी है, ठीक है। अगला सवाल है यहां पर प्रेस के बारे में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश इंडिया है ना, उस टाइम में प्रेस पर क्या क्या बीती, उस पे सवाल है। ठीक है, वकील साहब हेलो। ठीक है, वकील साहब लाट साहब हैं पक्का, 9:14 पर आते हैं, 9:15 बजे, इससे पहले आएंगे तब तो कैसे इज्जत कैसे बनेगा फिर, ऐसे थोड़े होता है। ठीक, यहां पर देखो, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, इसको इनेक्ट किया था विलेसली ने। फ्रेंच का इन्वेजन एंटिसिपेट कर रहे थे उस समय, नेपोलियन था उस समय शायद उधर, तो इसी कारण से ये जो प्रेस एक्ट है इसको यहाँ पर इनेक्ट किया गया था। इसने वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो लगा दिए प्रेस पे, मतलब युद्ध के समय जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो लगा दिया गया यहाँ पर। प्री सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट देखेगी कि आप क्या पब्लिश करने जा रहे हैं और उसमें काट छाट करेगी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसको रिलैक्स किया गया था हेस्टिंग के द्वारा। हेस्टिंग ने लगाया नहीं था, इसको रिमूव किया था। किसने? हेस्टिंग ने लगाया। किसने था? वेलेस्ली लगाया था इसको, इसको लगाया था वेलेस्ली ने, ठीक है। वेलेस्ली का एक काफ़ी फेमस है, वेलेस्ली की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जरा मुझे बताना, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वेलेस्ली की जो काफ़ी फेमस है, इस पर सवाल आता रहता है ना। चलो यहां पर ये बातें, तो पहला क्या हो, पहला का गलत हो गया, आपने ए सी और डी इलिमिनेट कर दिया, आपका आंसर बी आ गया, 2 और 3। इंडियन प्रेस एक्ट ने एम्पावर किया लोकल गवर्नमेंट को कि अगर कोई
न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ कुछ छापता है जिसको आप सेडिशियस मानते हैं, तो आप उसका प्रिंटर वगैरह सब उठा करके ला सकते हैं। दूसरा है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, इसको रिपन के द्वारा रिपील किया गया था। समझ गए? पक्का? इस पर भी सवाल इस पे आएगा, ठीक है ना? इसको रिपन के द्वारा रिपील किया गया था, तो यहाँ पर ये बातें सही हैं। इसको लगाया था लिटन ने। चलो ये बातें हो गई, तो 2 एंड 3 यहाँ पर सही है। अगला है, किसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है? सब्सिडरी अलायंस। शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले ही आ गए थे, बढ़िया। रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, तो यहां पर जो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस है ना, ये कहा जाता है मेटकाफ को। फैक्चुअल है, याद कर लेना इसको। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? मेटकाफ को कहा जाता है। कई सारे कारण हैं। गवर्नमेंट ऑफ जैसे कि जो गवर्नर जनरल बने रहे 1935-36, 2 साल यहाँ पे, इन्होंने एक 1823 में एक ऑर्डिनेंस है उसको रिपील किया था। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया था ना कि अगर आप प्रेस शुरू करते हैं बिना किसी लाइसेंस के, तो ये एक ऑफेंस होगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको हटा दिया गया था, मतलब कि बिना लाइसेंस के आप प्रेस चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो गई। मेटकाफ को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। अगला है नेवल रेटिंग का, जो म्यूटिनी है ना, इसके बारे में आपको एक बात जाननी चाहिए। हमारे जो हिस्ट्री की किताबें हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी है। कहा जाता है कि हिस्ट्री वैसा होता है जैसा लिखने वाला सोचता है। जैसे कि अगर मैं इतिहास लिखता तो शायद मैं इतिहास कुछ और लिखता, शायद मैं इतिहास का कुछ और वर्जन लिखता। हमारे इतिहास में गांधी जी का, नेहरू जी का, मॉडरेट हैं, इस सब जो लोग हैं ना, इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। और बोस, इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी दबाया गया है। जैसे कि तुम सोचो, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया, सबको अरेस्ट कर लिया गया, मूवमेंट खत्म हो गया। ठीक है, 1942 के बाद मास लेवल का कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ भारत में। समझ गए? जब इतना बड़ा मूवमेंट भारत में हुआ ही नहीं, तो आखिर ब्रिटिश ने 1947 में भारत छोड़ा क्यों? वो भारत में कंटिन्यू भी तो रह सकते थे। ठीक है, तो गांधी जी का लिमिटेशन यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि इनके मूवमेंट फेल हो गए। हम लोग कहते हैं कि एनसीएम का ये योगदान है, सीडीएम का ये योगदान है, मगर इन द एंड इट वॉज अ फेलियर। ये एक फेल्ड मोमेंट था ये सब। हाँ, सबका योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। यहाँ तक कि जो आपका होम रूल लीग है उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने गांव को शहरों से जोड़ा। मेन जो चीज़ है आखिर में, सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट क्या था ब्रिटिश के लिए इंडिया पर कंट्रोल करने का? आर्मी। पावर के जरिए ही भारत पर कंट्रोल किया जा रहा था। जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया, जब उन्होंने म्यांमार से हमको लिबरेट कराने के लिए आए, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो भारत के जवान काम कर रहे थे, उनमें एक भावना पनपी कि हमको लिबरेट कराने के लिए बाहर से एक जो पूरी आर्मी है वो आ रही, आज़ाद हिंद फौज आ रही है। तो एक जो लॉयल्टी है ना हमारे देश के प्रति, अचानक से नहीं होता है सब चीज़ें, सब धीरे धीरे पनपता रहता है। तो ये चीज़ देखने को मिली, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है आर्मी से, वो धीरे धीरे घटने लग गया। ठीक ना, थैंक्स टू द बोस। यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे ही लाल किला जो ट्रायल था ना ढिल्लों का, जो तीन हमारे जो जवान थे उनका जो ट्रायल हुआ, इससे पूरे देश को पता चला कि आज़ाद हिंद फौज क्या है, क्या पर्पस है इनका। और इससे पूरे आर्मी है जो जो काम कर रहे थे, ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे भारतीय, उन सबको एक जो हौसला है ना वो मिला।
रिवोल्ट करने का, जो नेवल रेटिंग्स हैं ये सब ने रिवोल्ट किया 1946 में। तो जैसे ही कंट्रोल घटा मेन टूल पर जिसके ज़रिए वो हम पे कैप्चर करते थे, तो वैसे ही उनको दिख गया कि अब नहीं रख सकते भारत को आज़ाद, भारत को गुलाम। समझ गए बात? तो यहाँ पर ये चीज़ है, सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है बोस का वो ये है। अगर मैं कहूँ कि बोस के कारण हम लोग अभी आज़ाद हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है? वरना 1942 के बाद और भी मोमेंट चलते रहते तो वो तो चलता ही रहता, वो तो फेल होना ही था फिर, क्योंकि कहा भी था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी छीनी जाती है, कोई तुमको थोड़ा याद कर देगा ऐसे ही, मांगते रहो दे दे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नेवल रेटिंग्स के बारे में, 1946 के बारे में, ठीक है? इस पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, थिंक करके कुछ एक वो है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला है, कहाँ गया, थिंक स्कूल, ये वाला, नहीं नहीं ये नहीं है, थिंक स्कूल, ये वाला वीडियो है, ठीक है ना? तो ये वाला देखना। क्लेमेंट एटली से खुद पूछा था कि जब 1942 के बाद जब कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ तो फिर भारत को क्यों दिया गया आज़ादी। उनके खुद की बातें हैं, तो सुनोगे देखोगे समझ जाओगे चीज़ें क्या क्या हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इन रिटेलिएशन टू द डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड इन द रॉयल नेवी, पहला यहाँ पर सही है। ये वर्ड स्प्रेड नहीं था, ये अर्बन एरिया में फैला, केवल गाँव तक नहीं पहुँच पाया। दूसरा यहाँ पर गलत है, कांग्रेस ने इसको एंडोर्स नहीं किया, गांधी जी तक ने इसको एंडोर्स नहीं किया, इन्होंने इसको इनडिसिप्लिनरी एक्शन माना। उन्होंने ये कहा कि नेता के पास तुमको जाना चाहिए था, अगर तुमको कोई इशू था तो कोई ग्रेवियांस है अपने लीडर के पास जाओ। अरे तो ये तो ठेकेदारी वाली बात हो गई ना, कि हम ही ठेकेदार हैं आज़ादी दिलाने के। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अगला सवाल हमारा है इंडियन प्रेस एक्ट 1910। अच्छा, एग्ज़ाम में एंटी गांधी एंटी नेहरू लिख के नहीं आना है, प्रो गांधी प्रो नेहरू ही लिख करके आना है, प्रो पटेल प्रो बोस। इनका कभी बुराई नहीं करना है कि इनकी ये लिमिटेशन थी, इनका ये समस्या था, कभी नहीं। एग्ज़ाम पास करने का अपना तरीका होता है, अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है? यहाँ तक कि बीजेपी भी पब्लिकली गांधी जी को कुछ कह नहीं सकती, समझ गए? ठीक है, तो यहां पर जो इंडियन प्रेस एक्ट है ना, इसके बारे में कौन सी बात सही है ये समझो। तो मैंने क्या बताया था इंडियन प्रेस एक्ट के बारे में, इंडियन प्रेस एक्ट में लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि जो पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ छापता है उसको डीरजिस्टर कर दिया जाए, और ये वर्नाकुलर और इंग्लिश दोनों भाषाओं के पेपर पर अप्लीकेबल था, केवल वर्नाकुलर वाले पे नहीं था, दोनों को सेंसर करता था। तो यहाँ पर इन्होंने सेंसरशिप डाली वर्नाकुलर वाले पर भी और इंग्लिश पब्लिकेशन पर भी, तो यहाँ पर बी जो है ना वो सही है। इंडियन प्रेस एक्ट के जरिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को नहीं रिपील किया गया, इसको तो बहुत पहले ही रिपील किया जा चुका था, शायद 1882 में देखना इसको रिपन था ना, हाँ, तो इसको रिपील किया गया था, इसका डेट देख लेंगे अगले सवाल में हम लोग, ठीक है ना? तो आपका पहला जो है वो गलत है, ये बातें हो गई। अगला सवाल करते हैं, ये वाला करना, ठीक है? जो सेम चीज है ना वो अप्लाई होती है सोसाइटी वाले पेपर में भी, भले ही आप प्रो हिंदू हैं प्रो मुस्लिम हैं आप कम्युनल हैं, फर्क नहीं पड़ता,
मगर आप जब एग्जाम में जाकर के आंसर लिखेंगे तो एकदम सेकुलर आंसर लिख के आना बाबू। तुमको नहीं पता कि वहां कौन चेक कर रहा है। तुम्हारा आंसर हो सकता है कि प्रो मुस्लिम चेक कर रहा हो सकता है कि प्रो हिंदू चेक कर रहा हो। मुझे पास होने से मतलब है ना। आईएएस बनो, फिर जाओ, तुमको जो चेंज करना है करो। समझ गए बात? तो उसमें कोई बात नहीं है, मेरा काम है तुमको पास करवाना। समझ गए? तो कैसे आंसर लिखना है, कौन सी भाषा, जनरली क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना उसके लोग कमीशन में होते हैं। जैसे कि यूपीएससी में काफ़ी सारे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो बीजेपी के द्वारा करवाए गए हैं अभी फिलहाल, तो अधिकांश लोग प्रो बीजेपी हैं, तो ज़्यादा एंटी हिंदू मत जाना अपने आंसर में, ठीक है ना। ये सजेशन है मेरा, कुछ सालों से जो चीज़ें चल रही हैं, देखे जा रही हैं, तुम इतना तुमको नॉलेज होगा, तुमको कॉमन सेंस है इतना कि कैसा आंसर लिख के आना है। अच्छा, कहाँ पर? ये मेंस में, तुम पहले प्रीलिम्स पास करो। चलो, ये बातें हो गई। यहाँ पर कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किसने रातों रात अपना जो भाषा है बदल लिया, वो था अमृता बाजार पत्रिका। इन्होंने रातों रात वर्नाकुलर से इंग्लिश मीडियम पे आ गए। जब एक पत्रिका अपना भाषा बदल सकता है तो तुमको क्या समस्या है इंग्लिश से? तुम क्यों चिल्लाते रहते हो कि सर हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता? ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें थी। इसको रिपन ने रिपील किया था 1882 में, 1882 में इसको रिपन ने रिपील किया था। क्लियर बात है? यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेट करता था इंग्लिश और जो वर्नाकुलर प्रेस है उसके बीच में। इसमें कोई राइट टू अपील नहीं दिया गया था। क्लियर बात है यहाँ पे? चलो, अगला सवाल है ऑथर और लिटरेचर, ध्यान से करना जरा। ठीक है, भारत दुर्दशा, जिनका हिंदी साहित्य होगा ऑप्शनल, उसको ये पढ़ना होता है किताब। भारत दुर्दशा लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, ये प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा था, तो आपका पहला गलत हो गया। ठीक है, भगत सिंह जी ने एक ऐसे लिखा था वाई आई एम एन एथिस्ट, तो आपका तीसरा सही है। पहला तो गलत है ही, तो आपने यहाँ पर बी काट दिया, ए काट दिया, और वैसे भी तीन तो दोनों में है, तो तीन सही है नहीं है उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तीन तो सही दिखा ही रहा है। यहाँ पे आपको दूसरा चेक करना है। अरबिंदो घोष ने लिखा था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, क्या लिखा था? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये लिखा था अरबिंदो घोष जी ने 1893 में। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा है वो सही हो गया, सी, टू एंड थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, तुम नोट्स कैसे लिखोगे? नोट्स लिखोगे भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अरबिंदो घोष न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, भगत सिंह हवाई आई एम एथिस्ट, श्यामा प्रसाद, इनका जो मुखर्जी, यंग इंडिया तो गांधी जी का था ना, भुला गए क्या? सॉरी, लाला लाजपत राय, लाजपत राय जी का था। गांधी जी का एक और था जो मैंने बताया था आपको, हिंद स्वराज है ना, जो हिंद स्वराज है उसका गांधी, मतलब गांधी जी का था। ये बातें हो गई। अगला सवाल करना इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी पर है। रुकना जरा, यंग इंडिया पेपर महात्मा गांधी, सही तो है यार। अच्छा, वही तो मैं कहूँ, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, इसको ठीक करो। यंग इंडिया एक वीकली पेपर था बाय महात्मा गांधी, तो यहाँ पर ये बात वही कहूँ, इसको ठीक करो। वीकली पेपर, वीकली पेपर, ठीक है। अच्छा, यंग इंडिया लाजपत राय जी का भी था क्या?
यंग इंडिया न्यूज़पेपर बाय लाला लाजपत राय। अच्छा, इनका भी एक था, इनका भी एक था यंग इंडिया जो किताब है ना, जो यंग इंडिया किताब है वो लाला लाजपत राय जी का है, यंग इंडिया जो वीकली पेपर है वो गांधी जी का है। समझ गए? तो दोनों बातें क्लियर रखो। क्या यंग इंडिया जो किताब है वो लाला लाजपत राय जी का है, तो यहाँ पर सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। बस यंग इंडिया जो वीकली है ना वो गांधी जी का है। क्लियर है तुमको? समझ रहे बात क्या कह रहा हूँ? यंग इंडिया जो बुक है वो लाला लाजपत राय जी का है, लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला सवाल है, इसको मैंने दिखाई दिया ना। यहां पर क्या किया गया था कि इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया था कि जब कोई यूरोपियन क्रिमिनल को के खिलाफ केस फाइल होगा, कहाँ पर? मुफस्सिल में, प्रेसिडेंसी टाउन में। उनको पहले से ही पावर था उनको ट्राई करने का। उनको पावर दिया गया था छोटे टाउन में, मुफस्सिल में, जैसे कि हर शहर में मुफस्सिल, जैसे कि मेरा जो घर है ना वो मतलब थाना मुफस्सिल कहा जाता है हमारे यहाँ, पोस्ट ऑफिस मुफस्सिल है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ भी मुफस्सिल नाम का जो एरिया होगा, सिविल लाइंस का इलाका, करीब करीब हर शहर में होता है, आपके यहाँ भी होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो इनको दिया गया था पावर मुफस्सिल में, स्मॉलर टाउन में। उनके पास पहले से प्रेसिडेंसी टाउन में ट्राई करने का पावर था। तो इसी कारण से यहाँ पर जो पहला है ना वो गलत हो गया, ए और डी चला गया। दो दो दोनों में है तो मैं दो को चेक नहीं करूंगा, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बिल है उसको विड्रॉ कर लिया गया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से भारतीयों ने यह सीखा कि यूरोपियन की तरह एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, कैसे लॉ को यूज किया जाता है प्रोटेस्ट में, कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कंडक्ट किया जाता है। समझ गए? क्योंकि यूरोपियन ने काफी प्रोटेस्ट किया था और ये इंश्योर किया था कि केवल भारतीय जज ब्रिटिश का केस नहीं सुने। उन्होंने ये कहा कि एक मिक्स्ड जूरी रहेगी, उसमें भारतीय भी होंगे, उसमें यूरोपियन भी होंगे, वो सब मिल करके जो केसेस हैं वो सुनेंगे। तो दो और तीन दोनों सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल करना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है ये वाला, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये सवाल आपके नॉलेज का नहीं है, आपके कॉमन सेंस का है। जो भी एक्ट पास किए गए थे ना बाबू, जो भी एक्ट पास किए गए थे जिससे इंडिया को गवर्न किया जाता था, वो सारे के सारे एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे। चाहे 1892 का हो, 1909 का हो, 1919 का हो, 1935 का हो, 1947 का हो, सारे के सारे एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे। वहाँ की संसद तय करती थी कि हमारे यहाँ सरकार कैसे चलेगा। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तय करता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा। समझ गए बात? तो इट वॉज नॉट पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये केवल लोकल लॉज बनाने के लिए बनाया गया था ये वाला काउंसिल। अगर आपने पहला एलिमिनेट कर दिया होता तो वन 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 उड़ गया होता, आपका आंसर भी आ गया होता। तो क्या ये सवाल आपके नॉलेज का था? क्या मैं ये पूछ रहा था कि फर्स्ट टाइम में इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस किया गया? अगर याद है तो बढ़िया बढ़िया, अगर याद नहीं है तब भी बढ़िया, तभी कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर तो निकल जा रहा है ना। ठीक है, अगला सवाल करना, इसमें जो इंट्रोडक्शन है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। अगला सवाल है सिविल सर्विस के बारे में, ध्यान से करना इसको। ठीक है,
अगर आपके आज क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जा करके प्रेस वाला जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम से, वो रिवाइज करना है, प्रेस रिवाइज कर लेना। जो जुडिशरी में रिफॉर्म है वो रिवाइज कर लेना, सिविल सर्विसेज में जो रिफॉर्म है वो रिवाइज कर लेना। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सब, तीनों जा करके स्पेक्ट्रम से रिवाइज कर लो। अगर तुम केवल वीडियो देख करके आ रहे हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो बहुत समस्या की बात है। किताब तो कम से कम पढ़ लिया ही करो, इतना तो टाइम तुमको मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान सुनना, कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो सिविल सर्विसेज है ना उसमें काफ़ी एक बड़ा योगदान दिया। उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको एस्टैब्लिश किया एक तरह से। इन्होंने सिविल सर्विसेज में करप्शन कम करने के लिए ये बोला कि जो सिविल सर्विस को जो सैलरी है उसको बढ़ा रहे हैं, वो लोकल लोगों से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई प्रेजेंट, कोई ब्राइब नहीं लेंगे, प्रमोशन केवल सीनियोरिटी के आधार पर होगा, ये उन्होंने इंश्योर किया, ताकि कोई फेवर ना दिया जाए, घूस लेकर के प्रमोशन ना पा लिया जाए। तो यहाँ पर आपका जो पहला है वो ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे वेलेस्ली ने एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं ना एग्जाम पास करके, उसको ट्रेन किया जा सके। ठीक है, ये जो वेलेस्ली का कॉलेज था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने डिसअप्रूव कर दिया, इसको हटा दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड में ही ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया था, जहां पर सबको ट्रेन किया जाता था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस सेटअप फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं, दूसरा यहां पर गलत है, पहला ठीक है। अटिक्शन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विसेज वॉज सेटअप बाय लॉर्ड रिपन, ये सेटअप किया गया था डफरिन के द्वारा। किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा। इन्होंने ये कहा कि कोविनेटेड और अनकोविनेटेड जो टर्म यूज किया था ना सर्विसेज में, इसको हटा दो। क्लियर है? इन्होंने जो एज लिमिट है उसको 23 साल कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपका जो पहला है रिपन नहीं था, कौन सा था? लिटन था यहाँ पर, सॉरी डफरिन था यहाँ पर। डफरिन के टाइम में ही वो था ना कांग्रेस नया नया। तो आपका यहाँ पर तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत है, पहला सही है यहाँ पे। तो सी वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर करेक्ट ही पूछ रहा है, तो ठीक है, सी आपका जो है वो यहाँ पर सही है, सी। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ पे? हाँ, अगला सवाल है भारत में जो जुडिशरी है उसके बारे में, ध्यान से करना इसको। ठीक है, जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया पर सवाल पूछा गया है आपसे। चलो, ये बातें हो गई। देखो यहां पे जो फेडरल कोर्ट है ना, इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। यहाँ पर जो फेडरेशन के जो एलिमेंट हैं, फेडरेशन के एलिमेंट क्या होता है, ऊपर में सेंटर, नीचे में स्टेट, उनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा ना उसको सॉल्व करने के लिए ये काम किया जाता था। ठीक है, अच्छा, अगर ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कहाँ सॉल्व करेंगे सर? उसके लिए कोर्ट था ब्रिटेन में, मैंने पहले पहले बता दिया है, मैंने जाके पिछला वाला लेक्चर देखना। तो पहला यहां पर जो है वो सही है। प्रिंसिपल ऑफ सुवरनिटी ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ जो है वो सुप्रीम होता है, ये एस्टैब्लिश किया था कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत। तो दूसरा यहां पर सही था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट जो था, इसको कॉर्नवालिस ने अबोलिश किया था, इसके जगह पर सर्किट कोर्ट बनाए गए थे। आप में से अधिकांश लोगों ने ये बात गलत करी होगी, क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो टॉपिक है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर ये बातें जो सही हैं, हाँ, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। यहाँ पर इट वॉज नॉट अबोलिश्ड बाई वॉरन हेस्टिंग्स, इट वॉज अबोलिश्ड बाय द कॉर्नवालिस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, इसमें कोई नहीं है, तो वन एंड टू ये कर लेते हैं, ए सही है। वैसे मोस्ट प्रिपेयर्ड तुम्हारा ए ही था, क्योंकि बाकी में तो तीन है ना, तो तीन तो गलत है, तो बी सी अगर आप डी भी काट देते तो आपका आंसर ए आता। वैसे यहाँ पर वन एंड टू होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, ये बातें हो गई।
हाँ, तो ये बातें हैं हमारी आज की। हम करते क्या हैं, हम मिलेंगे कल रात में 9 बजे से। अब बढ़िया, कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, डाउट का फॉर्म दिया गया है, वहाँ पर अपने डाउट सबमिट कर दीजिए। हम लोग संडे को रात में 9 बजे डिस्कस करते हैं सब बातें, ठीक है? तो ये बातें हो गई हमारी आज की। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, खराब लगा, डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।